मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने परिवार हैं, आप सभी लोगों को मेरा प्रेम भरा बधाई मैं वापस आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि हम इस भूमि में एक बहुत बड़े परिवार के रूप में रह रहे हैं। ठीक है, हम सब आपके लिए स्तुति करते हैं और आप हमें याद करके स्तुति कीजिए। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और इस भूमि में हम एक साथ सफर करते हैं और इस भूमि में हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक शीर्षक के द्वारा हम जो है हर दिन का भोजन हम पा रहे हैं। आज के दिन का वचन क्या है पढ़ता हूं। प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखा गया तीसरा यूहन्ना की पत्री, ठीक है, तीसरी यूहन्ना की पत्री और तीसरा वचन, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मुझे बहुत ही आनंदित हुआ। परमेश्वर के लोगों, प्रेरित यूहन्ना कहता है एक अद्भुत सा वाक्य, हे भाइयों, जब भाइयों ने आकर यह बताया कि तू सत्य की गवाही दी, सत्य का मतलब है वचन, सच्चाई को आप जानोगे और सत्य तुम्हें छुटकारा देगा, तो सभी सच्चाइयों में परमेश्वर हमें चलाता है, ये सब हमने सुना। तो सच्चाई को सुनना एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, सच्चाई को, सत्य को जानना एक एक्सपीरियंस है, उससे भी बढ़कर सत्य में चलना, उदाहरण के रूप में जो है उद्धार क्या है, सेल्वेशन क्या, एक सच्चाई है, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, बैप्टिज्म, ये सब जो एक सच्चाई है, ये सब चीजें जो है एक जमाने में हम नहीं जानते थे, कुछ लोग जानते थे, हम सच्चाई को नहीं जानते थे, नहीं सीख पाते थे, पर अब इन सभी चीजों को पाने के बाद सच्चाई को हम जानते हैं, सत्य को जानने लगे हैं, अब सच्चाई में चल रहे हैं। सच्चाई में चलना जो है अपने खुद की बुद्धि के अनुसार चलना नहीं है, सच्चाई में ही चलना जो है पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ही हम चल सकते हैं। आमेन। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमें सिखाता है। वचन देखिए बिल्कुल साफ साफ बताता है, भजन संहिता 119 और 105वां वचन जो है हमें बताता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। तो यह जो है हमारे पांव के नीचे जो है, अगर दिया जलाए तो कैसे हो, पांव के तले वो रहता है, थोड़ा सा उजाला देता है, वो हमारे मार्ग को दिखाता है। पवित्र आत्मा के साथ, उस उजाले के साथ अगर आप चलोगे तो वो वचन आपको चलाएगा। कब? जब जब एक मुसीबत हो, कष्ट हो, मुसीबत हो, मुश्किल हो, निर्बलता हो या कोई बहुत बड़ी तकलीफ हो, तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना जो है बहुत ही आसानी सा बन जाता है। एक जमाने में देखिए हमें जो है हमारे माँ बाप हाथ पकड़ कर चलाते हैं, अभी हम अपने बच्चों को चलाते हैं, हम अब अपने आप चलते हैं, उसी तरह अभिषेक में जो है बढ़ते 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 परमेश्वर आपको लगातार चलाते हुए आप देख पाओगे। हमें सत्य में चलाने वाला परमेश्वर की आत्मा, हमें सच्चाइयों में चलाना परमेश्वर की आत्मा। ये कैसे होता है, ऐसा चलाए जाना कैसा होता है, आपको दिखाता है, आपको बताता है, प्रतिदिन आपको चलाता है कि नहीं। चलाया जाना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय लोगों। कुछ लोग जो है ठीक से चलाए जाते हैं, उसके बाद जो कुछ दिनों के बाद जो अपने आप खुद अपने रास्ते बनाकर खुद चलने लगे, ऐसा नहीं। आपके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता रखा है, मार्ग रखा है, उस मार्ग में हर दिन जाने के लिए हमें तैयार रखना चाहिए। प्रार्थना करें, सभी हाथ उठाकर, सभी बच्चे अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को देखकर प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर के पिता, हे परमेश्वर हमारे पिता, हे परमेश्वर यही मार्ग है, इस मार्ग में चलो, ऐसा सुनने वाला आवाज प्रतिदिन तेरे बच्चे सुनने पाए। परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। सत्य में चलना कितना भाग्य की बात है, तेरे बच्चों को ऐसा अनुग्रह तू बहुतायत रूप से प्रचुर रूप में आज तेरे बच्चों के मन में जो भी कंफ्यूजन है, जो कोई भी टेंशन हो, स्ट्रेस हो, यीशु मसीह के नाम से वो पूरी तरह से निकल जाए।
पूरा दिन जो है खुशी से भरा रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर के बच्चों, जब आप शेयर करते रहोगे दूसरे लोगों के हृदय में ये वचन जब जाएगा, आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पाते रहोगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।